एक मित्र ने पूछा है, विचार पर बोलते हुए आपने कहा था कि विचार से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो अन्य वैसे ही विचारों को आकर्षित करती है, और ऊर्जा पर बोलते हुए आपने कहा कि ऊर्जा से विचार का जन्म होता है। कृपया इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। ऊर्जा पर तुम सुनते हो कि ऊर्जा से विचार का जन्म होता है, मूलतः ऊर्जा से ही विचार का जन्म होता है। ऊर्जा प्राथमिक है, प्रिलिमिनरी है। फिर जब इस ऊर्जा से विचार का जन्म हो जाता है तो विचार की अपनी एक अलग सत्ता बन जाती है, विचार की अपनी एक अलग आइडेंटिटी पैदा हो जाती है, विचार आकार ले लेता है। फिर वो विचार अपने किस्म की ऊर्जा को उत्पन्न करने लगता है। ये पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ऊर्जा से विचार का जन्म, इसका वही अर्थ है अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्टेड का जन्म। पहले तुम्हारा विचार भी अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, वो ऊर्जा के रूप में है। फिर तुम्हारा विचार धीरे धीरे स्पष्ट होकर तुम्हारे अंदर आता है, वो मैनिफेस्ट होता है, वो व्यक्त होता है, तब वो विचार आकार लेता है। एक बार जब विचार आकार ले लेता है तो फिर उस विचार की भी अपनी एक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। फिर वो विचार अपने जैसे विचारों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तुम जैसे विचारों में जी रहे होते हो वो तुम्हारी एक दुनिया बन जाती। इसीलिए मैंने कहा था कि अपने विचारों को बदल दो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। गहरे जाएंगे तो अपने ऊर्जा के तल को बदल दो, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। तुम्हारे विचार तुम्हारे एक विशेष ऊर्जा के तल से पैदा हो रहे हैं। ऊर्जा एक ऐसी घटना है जिसे तुम हमेशा अनुभव करते हो लेकिन कभी उसे सजग होकर शायद पकड़ नहीं पाते। जैसे तुम देखो कि तुम्हारे भीतर कभी कभी एक एहसास गुजरता है जिसे तुम शब्द नहीं दे पाते। कभी कभी तुम कहते हो कि कुछ कहना चाहता हूं लेकिन शब्द नहीं है। गहरे दुख में, गहरे आनंद में तुम्हारे शब्द खो जाते हैं, तुम्हारे विचार खो जाते हैं, केवल ऊर्जा रह जाती। वो ऊर्जा जब धक्के मारती है तो या तुम रोते हो या हंसते हो, या तुम्हारा शरीर कंपित होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है, कुछ होता है लेकिन उसमें शब्द नहीं होते। लेकिन वो अवस्था बड़ी शक्तिशाली होती है। जो विचार अभिव्यक्त हो जाता है उसकी अपनी एक शक्ति होती है, अपनी एक ऊर्जा होती है, और जो विचार अभी अव्यक्त रह जाता है, एक्सप्रेस नहीं हो पाता, जो अभिव्यक्त नहीं हो पाता, वो बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे तुम अगर परमाणु ऊर्जा पर थोड़ा सा चिंतन करो, तुम्हें बात समझ में आएगी। विचार के बारे में बोलते हुए मैंने तुमसे कहा था कि वो एटॉमिक एनर्जी की तरह से है। एटम को ब्रेक करते हैं तो एक बड़ी भारी एनर्जी पैदा होती है, एटॉमिक एनर्जी, सूक्ष्म कण को तोड़ देने से। फिर वैज्ञानिक उस ऊर्जा से एटम बम का निर्माण करते हैं। लेकिन तुम देखते हो कि फिर एटम के सेंटर में एक कण होता है न्यूट्रॉन, निष्क्रिय कण, वो कुछ नहीं कर रहा है, स्थिर पड़ा है। उसके केंद्र में जो प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन है, वो एक्टिव है, उससे ज़्यादा एक्टिव इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन एक्टिव नहीं है। उस न्यूट्रॉन को ब्रेक करके, उसको तोड़ के जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटम को तोड़ी गई ऊर्जा से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। उसको तोड़कर जो बम बना उसे न्यूट्रॉन बम कहते हैं, बहुत शक्तिशाली हो जाता है।
स्थिरता, अव्यक्त स्थिति जो सक्रिय नहीं है उसकी ऊर्जा बहुत अधिक है। जैसे तूफान आता है उसके पहले कितनी शांति होती है, स्थिरता है। तो स्थिरता को कभी स्थिरता मत समझ लेना, उसमें बड़ी ऊर्जा छुपी होती है। कभी अगर जंगल में जा रहे हो और शेर से मुलाकात हो जाए और शेर पीछे लौटकर ठहर जाए तो ये मत समझना कि वो आराम कर रहा है। वो जब ठहरता है तो छलांग लेने की ऊर्जा इकट्ठी करता है। अव्यक्त में, ठहराव में बहुत ऊर्जा है, ऊर्जा की यही स्थिति है। फिर जब वो अभिव्यक्त हो जाती है तो विचार बन जाती है, फिर विचार की यात्रा प्रारंभ होती है। तुम अगर इस विचार के आयाम पर बहुत ठीक ठीक प्रयोग करोगे तो तुम्हें कई और हैरान करने वाली बातें पता चलेंगी कि तुम्हारे विचार कई बार इतने जीवित हो जाते हैं, इतने शरीर वाले हो जाते हैं कि तुम्हारे चारों ओर वो तैरते रहते हैं, उनके आकार बन जाते हैं। जैसे विचार में तुम कोई कल्पना प्रक्षेपित करो तो कल्पना इतनी सजीव हो सकती है कि वो शरीर ग्रहण कर ले, उसकी अपनी ऊर्जा होगी। समस्या तभी होती है जब लोगों का चिंतन और विचार स्पष्ट नहीं होता। अब चिंतन और विचार स्पष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी ऊर्जा गतिशील नहीं होती, ऊर्जा में संतुलन नहीं होता। तो मौलिक तो ऊर्जा हो जाती है, लेकिन जब विचार स्पष्ट होता है तो उसका आकार बन जाता है। जिन लोगों को भी अतींद्रिय दर्शन की क्षमता है उस विचार को उस व्यक्ति के चारों ओर देख सकते हैं। इसलिए ही धर्मों में, साहित्य में, जो धार्मिक साहित्य तुम देखोगे उसमें जो सृष्टि की रचना की बात आती है उसमें एक बड़ा ही वैज्ञानिक तथ्य प्रयोग किया जाता है। हालांकि उसके आगे जितनी बातें हैं वो बड़ी फैंटेसी वाली हैं, लेकिन फैंटेसी और रियलिटी का कॉम्बिनेशन होते हैं तुम्हारे शास्त्र, जिसको तुम्हें इस प्रकार उपयोग करना होता है, रियलिटी का उपयोग कर लो, फैंटेसी को छोड़ दो। रियलिटी का एक वाक्य है कि परमात्मा कहता है कि ऐसा हो जाए और वैसा हो जाता है। बाइबल कहती है कि परमात्मा ने सोचा प्रकृति में ऐसा हो और ऐसा हो गया। वो ये नहीं कहती कि उसने बनाया, सोचा और हो गया। सोचना अर्थात स्पष्ट विचार को ब्रह्मांड में डाल देना, वो विचार अपनी ऊर्जा से जीवित हो जाता है, आकार ले लेता है। परमात्मा ने सोचा हो गया, यहां पर एक और साइंटिफिक सूत्र था कि परमात्मा जिसे तुम्हारे शास्त्र कह रहे होते हैं वो अनलिमिटेड अनमैनिफेस्टेड एनर्जी होती है, अव्यक्त ऊर्जा। यानी कोई कहीं बैठा हुआ है, वो अव्यक्त ऊर्जा जब कंपित होती है उसमें एक विचार गिरता है, साकार हो जाता है। तो यही इसमें अंतर संबंध है। तुम जब गहरे जा रहे हो तो तुम्हें अपनी गहराई पर ही काम करना है। हम बाहर से भीतर यात्रा कर रहे हैं, तो पहले मैंने चाहा कि तुम विचार को समझो, उस पर काम करो। अगर वहां तक तुम कर लोगे तो उतना भी काफी होगा। अगर तुम उतना करके आगे बढ़े और अपनी ऊर्जा पर काम कर पाए तो और गहरा रूपांतरण होगा। अब जब ऊर्जा से हम सजगता की ओर आएंगे, अवेयरनेस की ओर, तुम उसको पूरा का पूरा समझ पाए, उसे उपयोग में ला पाए, तो पूरा का पूरा ही रूपांतरण होगा। फिर जब तुम उस थर्ड डायमेंशन को समझ लोगे तो तुम्हारे लिए फोर्थ डायमेंशन ऐसे ही उपलब्ध हो जाएगा, और उसमें ये तीनों चीजें एक नृत्य में होंगी, विचार, ऊर्जा और सजगता। तंत्र में एक त्रिकोण का उपयोग करते हैं, ऊपर जाते हुए त्रिकोण को पुरुष ऊर्जा की तरह से और नीचे जाते हुए त्रिकोण को स्त्री ऊर्जा की तरह से, वही शिव और शक्ति का मिलन। लेकिन उस त्रिकोण में यही तीन तथ्य, आंतरिक शक्ति के शामिल हैं, विचार, ऊर्जा और सजगता।
स्त्री हो या पुरुष हो, उसको इन्हीं तीन आयामों पर काम करना है। तुम अपने विचार पर काम करो, उसे शुद्ध से शुद्ध बनाओ। ऊर्जा पर काम करो, उसे शुद्ध से शुद्ध बनाओ। शुद्ध से शुद्ध बनाने का तात्पर्य है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उसे अनुभव करो और सजगता को गहराई से अनुभव करो। फिर रूपांतरण सहज और संभव हो जाता है।